नमस्कार, न्यूज टाइम्स के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गोपाल मैदान में झंडोत्तोलन के बाद उपायुक्त ने विकास कार्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया भरोसा। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में भी रही स्वाधीनता दिवस की धूम और चारों तरफ रहा जश्न आजादी की खुशी। वंदे मातरम के जयघोष से गूंजा चतुर्दिक, बच्चे जवान बूढ़े सभी उत्साहित। अब खबरें विस्तार से। गोपाल मैदान में रंगारंग कार्यक्रमों के बीच उपायुक्त ने झंडो उत्तोलन कर सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने नैनाभिराम नृत्य पेश किए। गोपाल मैदान में उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने झंडो उत्तोलन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों के अलावा स्कूली बच्चे और स्वतंत्रता सेनानी भी मौजूद थे। उपायुक्त ने परेड की सलामी ली। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने अपने संबोधन में कहा कि विकास कार्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया। सभी भारतवासियों के संघर्ष और उस संघर्ष को चैनलाइज करने वाले कुशल नेतृत्व की बदौलत हम लोग आजाद हुए। ये लड़ाई बहुत लंबी थी और इसमें पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से संघर्ष किया। कुछ लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए, तो वहीं कुछ लोग ने उस समय जो विधानसभा होती थी वहां पर अपनी आवाज बुलंद की, तो कुछ ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हिंसा का रास्ता भी अख्तियार किया। रास्ते जो भी हों, मकसद सबका एक था, वो थी आजादी। और वो आजादी हमको मिली। यदि हम लोग गौर करें उस समय पे, तो असंख्य सीख हम लोग को मिल सकती है।
परंतु सबसे महत्वपूर्ण सीख है इरादों की मजबूती की, जिसके बदौलत हमारे देशवासियों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। ये कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, और ये बात शत प्रतिशत सही थी, क्योंकि उसका ब्रिटिश एम्पायर का भौगोलिक विस्तार इस प्रकार था कि किसी न किसी हिस्से पर सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। जो हमारे 20 जवान भाई हैं, उनके द्वारा किया जाना है ये बात नहीं। हम सबको राष्ट्रधर्म का निर्वहन करना है। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय में भी उपायुक्त ने झंडोत्तोलन किया। उधर एसएसपी कार्यालय में रिचर्ड लकड़ा ने भी ध्वजारोहण किया। डीटीओ कार्यालय में जॉर्ज कुमार ने, एसडीओ कार्यालय में सुबोध कुमार ने टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक एचएम नेहरुकर ने कंपनी के मुख्य गेट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झंडोत्तोलन किया और सभी को 67वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। टाटा स्टील वर्क्स मेन गेट में सुबह 8 बजे कंपनी के प्रबंध निदेशक एचएम नेहरुकर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह एवं पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे भी उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद श्री नेहरुकर ने टाटा स्टील कर्मियों के अलावा शहरवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाइयां दी। उन्होंने अपने संबोधन में टाटा स्टील की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने स्टील उद्योग में मंदी के कारण आ रही परेशानी का भी जिक्र किया, मगर साथ ही कहा कि टाटा स्टील सभी दौर से गुजर जाएगी। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील भविष्य में अपने दायित्वों का निर्वाह करती रहेगी। The most important motive for work in your educational institution and in life is pleasure in work, pleasure in results, and knowledge of the value of the result to the community. Let us today bolster our intent to serve with greater zeal the communities that we live in and in our other areas of operation. टेलको स्थित सुमंत मूल गांवकर स्टेडियम में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड एबी लाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड एबी लाल ने सुमंत मूल गांवकर स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया। डॉग स्कॉट लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। श्री लाल ने इस अवसर पर मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन किया। श्री लाल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कंपनी की भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। दूसरी उपविजेता है लिटिल क्लास स्कूल और विवेक कुमार सिंह, समीर कुमार शॉ, पेट्रियोटिज्म एंड लव टू देयर कंट्री। Please give them a huge round of applause. Yeah.
मैं पिछले साल की कुछ उपलब्धियों की बात करूंगा। 19 फरवरी 2013 टाटा मोटर्स जमशेदपुर के इतिहास में स्मरणीय दिवस रहा, जिस दिन हमारी कंपनी के परिसर से 20 लाख और वाहन का निर्माण किया गया। मेरे विचार से विश्व में शायद ही ऐसी कोई कंपनी हो जिसने एक ही कारखाने से इतने सारे हेवी कमर्शियल व्हीकल्स बनाए हैं। इसका श्रेय निश्चित रूप से आप सब कर्मचारियों को जाता है। इस अवसर पर मैं अपने कर्मचारियों के परिवार का उल्लेख करना कैसे भूल सकता हूँ, जिनके सक्रिय सहयोग के बिना इन सारी उपलब्धियों को हासिल करना कठिन होता। बेली चर्च स्कूल में विधायक बन्ना गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। इसके अलावा उन्होंने शहर के कई स्थानों पर आयोजित समारोह में भी भाग लिया। बिष्टुपुर स्थित बेली चर्च स्कूल में विधायक बन्ना गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों को भी विधायक ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा निखारने और उनकी उज्जवल भविष्य में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने भविष्य में स्कूल को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल लिलियन पीटरसन और सचिव पी के दास भी मौजूद थे। Mr. P.K. Das, Secretary Church School. Please get ready for the general salute. आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ये स्वाधीनता दिवस का दिन हम सबों के इतिहास का प्रतीक है, गौरव में इतिहास का प्रतीक है। निश्चित तौर पर इस देश में विभिन्न धर्म और जात के लोग, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं के साथ अपनी अपनी संस्कृति और संस्कारों के साथ, धार्मिक क्रियाकलापों के साथ सबको जीने का अधिकार है। यह एक ऐसा देश जिस देश में पूरी दुनिया को हमने शांति और अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करने के रास्ते दिखाए हो, जिस देश ने पूरी दुनिया को यह बताया हो कि यह देश विविधता में एकता का प्रतीक, और हम सभी लोग पूरी दुनिया के सामने शांति के प्रतीक के रूप में हम सारे लोग जाने जाते हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर हम सबों में इतनी शक्ति दे कि हम सब मिलकर जो इस देश के सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, इस देश के देशभक्तों ने जिस कुर्बानी और त्याग को की मिसाल बनाकर हम सबों के जीवन में रोशनी और प्रवृत्ति के पद पर अग्रसर होने का रास्ता बुलंद किया हो, जिसने हमको आजादी के मार्ग का एक सुखद और सुनहरा माहौल और वातावरण दिया हो, वैसे वीरों को, शहीदों को, सूफियों को, संतों को हम नमन करते हैं। हमारे बेली चर्च प्रबंधन के द्वारा 3 सूत्री मांगों का भी उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि उन्होंने 3 सूत्री बातों को हमारे संज्ञान में लाया है। क्षेत्र के विधायक होने के नाते जिसमें एक मांग तो ऐसी है जिस मांग पर उन्होंने आज मुझे पत्र दिया है, लेकिन वो काम मैंने 6 महीना पहले ही करने का उसका एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया था। क्योंकि वेल्डी चर्च स्कूल के पीछे में जो खाली भूखंड है, उस भूखंड में मुझे पता चला था कि जब मैं गोलमुड़ी चर्च गया था तो मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन किसी फादर के माध्यम से ये पता चला कि जो हमारा ग्रेवयार्ड है और वेल्डी चर्च स्कूल के पीछे का जगह है
वहाँ बहुत जंगल नुमा है और वहाँ कुछ कुछ शरारती तत्व और अपराधी तत्व कभी कभी वहाँ कुछ कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो घटनाएं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए या समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो हमने उसको साफ सफा करने का काम किया था, फिर उस रोड को चौड़ा करने का काम किया था और हमारे मन में एक ये था कि वहाँ एक हाई मस्ट लाइट भी लगाना है, लेकिन वो काम अभी अधूरा रह गया है, उसको भी हम जल्दी पूरा करने वाले हैं। उधर सोनारी पंचवटी नगर में भी आयोजित समारोह में विधायक बन्ना गुप्ता ने झंडा फहराने के बाद लोगों को बधाइयां दी तथा स्वाधीनता के मायने भी बताए। उन्होंने जीवन में अनुशासन के महत्व को भी बताया तथा विकास के हर कार्य करने का आश्वासन भी दिया। दूसरी ओर विधायक बन्ना गुप्ता ने बिष्टुपुर डायगनल रोड स्थित ऑटो स्टैंड में भी झंडा फहराया तथा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सभी को आजादी के सालगिरह की बधाइयां दी। इसके बाद बिष्टुपुर स्थित जवाहर मार्केट के अलावा साक्षी ऑटो स्टैंड और बाटा चौक में भी उन्होंने झंडा फहराया और उपस्थित लोगों में देशभक्ति का संचार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये स्वाधीनता हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक ने सभी के जीवन में शांति और उन्नति की कामना की। जमहूरियत है, ये हमारा लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में सबको बोलने, चलने, रहने, खाने, पीने और अपनी आजादी के साथ जीवन बसर करने का अधिकार है। नायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है, जय है, जय जय भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सागर उत्कल गंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जनक सरंगा गुजरात मराठा सागर उत्कल गंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा जीवन मंगलमय हो, उन्नति और समृद्धि से भरा हो, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं जो हमारे वीरों, सूफियों, संतों, महापुरुषों का कुर्बानी का प्रतीक है। उनका त्याग का प्रतीक है। न जाने कितनी माओं ने अपने लालों को कुर्बान किया, सुहागिनों ने अपने मांग के सिंदूर को पोंछ डाला, हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे को चूमते गए, हंसते हंसते लोगों ने सीने पर गोलियां थापने का काम किया। न जाने इस इतिहास को लिखने में कितने हमारे वीर शहीदों के नाम इतिहास के पन्ने में छूट गए हैं, ये भगवान इसका गवाह है। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये आजादी का इतिहास लिखा जा रहा था, जब मैदान जंग में सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, बनिया हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी जात धर्म का आदमी जब इस मैदान जंग में शिरकत कर रहा था, कूद रहा था, मैदान जंग में लड़ाई लड़ रहा था, माँ भारती को बचाने के जंग में कूदा हुआ था, तो उस समय सारे लोग हिंदुस्तानी बनकर इस हिंदुस्तान के जंग में कूदे हुए थे। और आज आजादी की 67वीं वर्षगांठ मनाने के उपरांत भी हम हिंदुस्तान के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, जैनी बौद्धिस्ट के नाम पर, अगला पिछड़ा के नाम पर, हम सारे लोग एक दूसरे के साथ लड़ने मरने को तैयार हैं। हम कहना चाहते हैं साथियों दोस्तों कि हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करने का मार्ग दिया हो, जिसने शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया हो, जिसने पूरी दुनिया को कुछ निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना सिखाया हो। ये हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा और जागृति और संस्कार दिए हो। नगर के पत्रकारों ने भी इस अवसर पर झंडोत्तोलन कर स्वाधीनता दिवस की खुशियां आपस में बांटी। नगर के पत्रकारों ने भी साक्षी एसपी कार्यालय के सामने झंडोत्तोलन कर एक दूसरे को स्वाधीनता दिवस की बधाइयां दी।
इस मौके पर वरिष्ठ छायाकार श्रीनिवास ने ध्वजारोहण किया। कदमा स्थित अपलिफ्ट स्पोर्ट्स क्लब में भी स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व हैंडबॉल खिलाड़ी हसन इमाम मलिक ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत किया। बाराद्वारी में अंबेडकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामाश्रय प्रसाद ने शहीदों को याद करते हुए उनके योगदान के लिए मौन रखा। गोलमुरी स्थित आरक्षी विद्यालय में सिटी एसपी एस कार्तिक ने ध्वजारोहण किया एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने हर बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने पर बल दिया। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। कदमा थाना के प्रांगण में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में एसआई राजू ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज स्वतंत्र देश में हैं। इसके लिए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का हम आभारी है। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्यों के अलावा पूर्व सांसद सुमन महतो भी उपस्थित थी। शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो सरहद पर अपना जान दिए हैं, भारत की रक्षा के लिए, हमारी सरहद की रक्षा के लिए। श्रद्धांजलि सुमन अर्पित। कदमा स्थित किड्स वर्ल्ड में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। अरुणा समिति ने बंटी रजक स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। कदमा किशोर संघ द्वारा आयोजित तृतीय बंटी रजक स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। टाटा वर्कर्स हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित प्रतियोगिता का खिताब अरुणा समिति ने जीत लिया। स्वर्गीय बंटी रजक की याद में जो हमारा बहुत ही प्रिय छोटा भाई था उसकी याद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं उसकी भी आत्मा की शांति की परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। धतकीडीह स्थित स्टार स्पोर्ट्स क्लब द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अंडर 10 और अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्लब द्वारा पिछले 32 वर्षों से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया।